गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। माँ के हाथों से फिसलकर तालाब में गिर गया बच्चा और फरिश्ता बनकर आया आइसक्रीम वाला। चलिए पूरे मामले के बारे में आपको बताते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरी अपडेट जानने के बाद रियल हीरो करके कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये सच में आइसक्रीम वाला एक रियल हीरो है। ये जो पूरा मामला हमारे सामने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रहा है, जहां पर एक वीआईपी रोड है और उस दौरान ही वहां पर काफी सारे लोग जो टहल रहे थे और वहां पर एक झील है जो तालाब है और वहां पर एक माँ भी अपने 3 साल के बच्चे को लेकर अपनी गोद में टहल रही थी और टहलते टहलते वो बैरियर के पास खड़ी हुई और जिसके कारण उसके हाथ से 3 साल का जो बच्चा है वो तालाब में गिर गया। जो तालाब था जब उसमें गिरा वो बच्चा, तब माँ की सांस फूल गई और उस दौरान ही वहां पर चिल्लाना शुरू किया। इतनी ही बात देख के वहां पर सब लोग आ गए, वहां पर चिल्लाना शुरू किया और उसमें कोई कूद नहीं पा रहा था और हबड़ा दबड़ी वहां पर मच गई। और जो वो तालाब था वो 20 फुट नीचे था, यानी कि गहरा था और किसी को वहां पर तैरना नहीं आता था। इतनी ही जब वहां पर चिल्लमचाली हो रही थी और नजदीकी जो आइसक्रीम वाला था उसे बिना देरी किए जब भाग के वो वहां पर आया, तब उसने सीधा उस तालाब में छलांग लगा दी और उसमें तालाब में उसने छलांग लगा के सीधा उसने वो बच्चे के पास गया और बच्चे को बाहर निकाला। तब तक वहां पर बोट भी आ चुकी थी और बोट में उस बच्चे को रखा। बोट में जब बच्चे को रखा तब उसके मुंह से पानी निकल रहा था, बच्चा बेहोश हो गया था। जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां पर जाके उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। बोला जा रहा है कि अभी बच्चा सही सलामत है, अभी वो खतरे से बाहर है, उसको अभी कुछ नहीं हुआ। अगर ज्यादा देर हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। हम आपको ये चीज बताएं कि ये जो वीआईपी रोड पे जो आइसक्रीम वाला है वो हमेशा ही वहां पर आइसक्रीम बेचता है और उसका नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसका नाम है हरि ओम। अगर बोलते हैं ना तो मतलब कि भगवान याद आ जाते हैं। ये साक्षात भगवान के रूप में एक बच्चे को, जो कि बच्चा भी एक भगवान का रूप होता है, उसको बचाने के लिए वहां पर पहुंचे। और वहां पर उनसे जब बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया कि मैं बस इस बच्चे की जान बचा पाया, एक भगवान की जान बचा पाया कि उसकी माँ के पास उसको मैंने पहुंचा दिया है और वो सही सलामत है। उनसे पूछा गया कि अगर आपको कुछ हो जाता तो उन्होंने सोचा कि इतनी हबड़ा दबड़ी मच रही थी, मेरे पास ये सोचने का टाइम नहीं था। काश ऐसे सब लोग होते कि वो दूसरों के लिए कुछ ऐसा करते कि जो आजकल इतना ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इंसानियत नहीं रही, तो शायद वो इंसानियत जिंदा होती। कुछ लोगों की वजह से आज तक इंसानियत जिंदा है। हम आपको ये भी चीज बताएं कि वहां के जो विधायक है जिनका नाम है आरिफ जी ने इनको सम्मानित किया, इनको शॉल दिया, एक बुके दिया और 5,000 इनाम भी दिया। और उनके विधायक का कहना ये है कि ऐसे लोगों को सम्मानित सरकार को भी करना चाहिए और उसी दौरान ही इनको कोई सरकारी जॉब भी देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इंसान है जो कि आगे जाके काफी सारे लोगों का भला कर सकते हैं। तो रियल हीरो करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।